कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे एक और ब्लॉग में। और हम जा रहे हैं सोमनाथ गुजरात, और आपको वहाँ गुजरात में हम कवर कराएंगे नागेश्वर, सोमनाथ एंड द्वारकाधीश टेम्पल। द्वारका नगरी जो कृष्णा जी की है, तो अभी हम निकल गए हैं। सुबह के बजे हैं 5:15। वो देखो कितनी लंबी बिल्डिंग है। बॉम्बे में बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े फ्लोर्स हैं, मतलब पुणे में भी हैं, दिल्ली में भी हैं। बॉम्बे को देख के थोड़ी थोड़ी दिल्ली वाली फील आ रही है, क्योंकि दिल्ली भी थोड़ा सा क्राउडेड है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी क्राउडेड है। गाइस पीछे ना चेरी ब्लॉसम का यार दिख नहीं रहा। अरे गाइस देखो चेरी ब्लॉसम पीछे गया, देखो अरे कितने सारे हैं। हमारे यहाँ पे नहीं होते इतने। ले पूछो कैसे हो गाइस। तो गाइस अभी लग चुकी थी थोड़ी सी भूख, हमने फिनिश कर दिया है जिम जम का पैकेट सबने मिलके, और अभी हम क्या ढूंढ रहे हैं चाय के लिए टपरी, चाय की टपरी। और हमें फाइनली कुछ मिल गया है, जोशी वड़े वाले है यहाँ पे, फूड हाईवे है, कैलाश सरोवर करके एक रेस्टोरेंट है। अभी हम उतरेंगे गाड़ी से, चाय वाय पियेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। मम्मा क्या कर रही है कमेंट्री। तो चलिए गाइस दिखाती हूँ अंदर। ये था रेस्टोरेंट और हम यहाँ ऑर्डर कर रहे थे, ऑर्डर कर दिया हमने, अभी वेट कर रहे हैं। और वीरा पापा खेल रहे हैं। और गाइज यहाँ आ गई है चाय, अभी लेते हैं चाय का आनंद। मम्मी जी भी पी रही हैं, मैं भी पीती हूँ अपनी चाय। अब ये आ गया हमारा सैंडविच। ओए वीरा आइसक्रीम ले आई। और ये मेरी साबूदाना खिचड़ी, ये मेरे से नहीं बनता यार इतना ट्रांसपेरेंट, इन्होंने कैसे बनाया। गाइज हम लोग लवसारी से आगे निकल चुके हैं, थोड़ी देर में वडोदरा पहुंच जाएंगे हम लोग, सूरत, हाँ सॉरी सूरत पहुंच जाएंगे। फिर वडोदरा पहुंचने तक हमें हो जाएगा 4:40 तक का टाइम। हम लोग को भूख लग रही थी, हम लोगों ने चिप्स खा लिए और कोल्ड ड्रिंक पी ली और सेब खा लिया। अब और कुछ चीज़ें रखी हैं, भूख लगी जब वो दोबारा खा लेंगे, और जैसे कोई अच्छा रेस्टोरेंट मिलेगा हम वहाँ पर रुकेंगे, लंच करेंगे लंच। तो गाइस फाइनली एक घंटे के बाद हमने पतीला ढूंढ लिया। ये काठियावाड़ी ढाबा है। ये क्या अम्मा? ये तो पक्का गुड़ रहेगा। ये गुड़ है, ये अचार है, ये अचार रहेगी। ये रुको मेरे को देखने दो क्या है। और ये तेल के अंदर टीट लहसुन टीट है। मम्मी टीट देखो टीट। ये जैम का छोटा भाई है, ऐसे खा लेते रोटी। और ये चटनी है कोई तेल में डूबा हुआ लहसुन, इसी से खा लेती। और ये है स्पिनच, क्या पत्ता गोभी, पत्ता गोभी राय में छुकी हुई भाई के साथ। भाई को बैठा रहने की जगह देखो, उसको प्लेट में बिठा दिया। ये हमारा पापड़ आ गया था लेकिन हम रिकॉर्ड करना भूल गया, आधा ख़त्म हो गया। यहाँ पर भी आया था वो भी आधा ख़त्म हो गया। अभी ये सब लोग अचार टेस्ट कर रहे हैं बिना रोटी के, लेकिन मैंने कुछ नहीं खाया, मैं अचार रोटी के साथ। तो अगर गुजराती खाना अच्छा लगा हम आपको। मसाला पापड़ के ऊपर से मसाला हटा के मसाला खा रहे हो ताकि क्या लेना भाई? अब तू भी मसाला खा रही है, ये लो। देखिए गाइस सब है यहाँ पे भूखे और टूट पड़े हैं खाने पे। अभी अच्छे से दाल वगैरह सर्व नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पे खाया था खाना काठियावाड़ी रेस्टोरेंट जो है, ये क्या नाम है इसका, ठक्कर्स। क्या पूछ रहे हो मम्मा? हाँ खानी है ना, रख दो। गाइस हमने खा लिया है खाना और वीरा ले रही है अपने आइसक्रीम। मैंने भी ली, मैंने भी ली। ये रही मेरी आइसक्रीम। हाँ।
खाऊंगी जानू की आइसक्रीम है। और भाई आप इधर आओ तो यहाँ जरूर खाना खाना, यहाँ का खाना हमें बहुत अच्छा लगा और रिजनेबल भी लगा। और ये गुजरात के अच्छे अच्छे व्यूज देखते हुए हमने वडोदरा क्रॉस किया। वडोदरा में हम रुक गए थे रात को और फिर अगली सुबह हम नहा धो के नेक्स्ट स्टॉप के लिए निकल चुके हैं। अभी हम वडोदरा से निकले हैं सोमनाथ जी के लिए, तो आप सभी को हर हर महादेव। अभी कल हम, मेरी बहन का बेटा रहता है यहाँ, मेरा भांजा, उसके यहाँ पे रुक गए थे। रात को वहीं रुके, खाना वाना खाए, सो गए, फिर उठे सुबह नहा धो के अभी निकल गए अपने घर से। अभी रास्ते में गाइस दी भी आई है जयपुर से, रात को उनकी वडोदरा तक की टिकट कराई थी, उनको हमने रिसीव किया। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमने कुछ स्पेशल मंगवाया था और दीदी लेके आई है। ये देखिए हम सबकी फेवरेट इमरती, हम सब ने खा लिए हैं, शाम तक ख़त्म कर देंगे हम इनको। और ये है भाई गुजिया, अभी हमने नाश्ता गुजिया और इमरती से कर लिया है, कहीं चाय पीने के लिए रुकेंगे तो रुक जाएंगे। गाड़ी तेज भाग रही है, साइड में नदी है बहुत बड़ी, मैं नदी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ बट हो ही नहीं पा रहा। फूल कितना सुंदर लग रहा है। देखिए गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा मन खुश हो गया खुशबू से ही। क्या लेके आई हमारे लिए, मिर्च का अचार और ये देखो मेसी रोटी। भूख लग रही है बहुत, खाऊंगी अब भी। ओ दीदी मिट्टी भी लाई है भाई, देखो मजे आ गए। मम्मी उस साइड को तू पढ़ा ले, राजकोट सिटी पुलिस। गाइस हमने रुक के खाना खाया और मेरा इतना परेशान करती है कि मैं तो ब्लॉग व्लॉग सब भूल जाती हूँ। 133 किलोमीटर अभी हम पहुँचने वाले हैं लगभग 1.5 घंटे में, 1.5 से 2.25 घंटे में। सब खाना खा के सो गए हैं, मेरा भाई सो रहा है। और ये रास्ते में भाई चीकू के इतने सारे पेड़ थे कि देख के मज़ा आ गया। चीकू, नारियल और आम के बहुत सारे पेड़ थे। ये माली देखो चीकू तोड़ रहा है, हम फोटो ली थी हमने। फाइनली हम आ गए हैं सोमनाथ मंदिर की पार्किंग के लिए। सोमनाथ मंदिर जो है ये पहला ज्योतिर्लिंग है भारत का, और आपको सामने मंदिर दिख रहा होगा। तो गाइस अभी हम गाड़ी पार्क कर देंगे और सामान हमें गाड़ी में ही रखना रहेगा। मंदिर में कोई फोन वोन अलाउड नहीं है, भीड़ बहुत है, लगेगा 2 से 2.5 घंटा दर्शन करने के बाद। मैं बताती हूँ कैसे हमारी यहाँ की यात्रा, यहाँ के दर्शन। बहुत सारी गाड़ी है बाबा के पास। गाइज यहाँ पे हम मेन गेट पे पहुँच गए हैं और ये बाहर कुछ दुकानें लगी हुई हैं जहाँ से आप ये समुद्री जो शंख वगैरह होते हैं, कोड़ी वगैरह, वो ले सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं इधर। और ये दिख रहा है सामने मंदिर प्रांगण। उसके बाद हम आ गए हैं काउंटर्स पे जो कि चप्पल और आपके मोबाइल या कीमती सामान के लिए बने हुए थे। इधर जमा करवा के फिर मंदिर में जाना होता है, तो मैं भी अपना फ़ोन दे रही हूँ। अब आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी कि हमने कैसे दर्शन किए, कैसे क्या हुआ। और ये देख लीजिए थोड़ा सा मंदिर दिखा देती हूँ। तो गाइज कैसी लगी मेरी आज की वीडियो, अब नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, जय सोमनाथ।